आजकल रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के पेरी कमहरिया गांव से आया है। यहां पर कुएं के अंदर एक नीलगाय गिर गया, जैसा कि यहां के लोगों ने हमें सूचना दिया। तो बिना वक्त गवाए हम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। चलिए उस नीलगाय को सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करते हैं। जब तक कि हम लोग उस नीलगाय को रेस्क्यू करते हैं, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और बेजुबान जीवों की मदद करें। तो बिना वक्त गवाए चलिए उसे बचाने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली हमें आइडिया नहीं था कि हमें इस रेस्क्यू के लिए आना पड़ सकता है। हम लोग रास्ते में थे तभी मैं कॉल आए, तो हमारे पास अभी छोटी रस्सियाँ हैं। हम लोग ट्राई करेंगे इन रस्सियों के सहारे उसे रेस्क्यू करने का। अगर हो पाता है तो ठीक, वरना हमें घर से बड़ा वाला मोटा वाला रस्सा मंगाना पड़ेगा। तो चलिए पहले चल के उसको देखते हैं वो कैसी स्थिति में है, है ना चाचा जी? चलिए पहले देख लेते हैं, फिर अगर नहीं होगा तो रस्सा मंगवाना ही पड़ेगा। किधर है? चलिए बच्चा किधर है? इसमें काफी पतला है। अच्छा कुआं इधर है, बहुत पतला कुआं है। तो बहुत पतला है। और जो नीलगाय है वो इसी कुएं के अंदर है। अभी आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी कुछ टाइम में दिखेगा। ऑलराइट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इस कुएं के अंदर ये नीलगाय बुरी तरह से फंसा हुआ है। और ये कुआं बहुत ही ज़्यादा पतला है, बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं है, लेकिन पतला है, जिसकी वजह से दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं इसके रेस्क्यू में। तो अभी इसका क्या करना होगा? ट्रैक्टर से खींचा जाएगा, लेकिन ऐसे इस रस्से से नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन सींग वाला है, छोटा वही दिक्कत है, और पतला है कुआं। इसे ट्राई करते हो, पतली वाली रस्सी है ना, चोट लगाइए। चोट तो लगा है, उसमें नाक पे एक्चुअली में जम कर रहा होगा ना। पिठियों को ही लगा लो रही है। कई दिन से गिरा है क्या? है का नहीं, कल ही गिरा है। हां खाने साले चक्कर में जम कर रहा है इसमें ना। इधर से उसको इधर का धैर्य और कौन मत दे यार। सही 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 आओ डर ले लो, उधर जल्दी बस हो गया, एक पैर हो गया। घुमाइए, नहीं 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 घुमा लीजिए पहले, बस सीधा करिए ना, लाइक आराम से आराम से पहले इसको करिए। हाँ वही वही काम कर रहे हैं, संभाल कर रिलैक्स होकर रेस्क्यू करना, बिल्कुल घबराना नहीं। फंस चुका है क्या ये बच्चा? हट जाओ, फंस गया क्या? खुद ही लपटा गया और लपेटा। कोई नहीं, क्या करोगे, बीस कुआं में थोड़ा बहुत तो छोड़ देगा, सबको साथ में खींचना रहेगा, जान लो। उधर उधर जाके उधर देखो, खुद ही घूमेगा तो हो जाएगा, खुद ही घूमेगा तो हो जाएगा। आराम से आराम से, बहुत पतला है ना, आप ना हो तो खींच लीजिए उधर ही एक साथ सब लोग मिल के। दो रुक जाए, एक साथ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पीछे से खींचा जाएगा, निकल जाएगा आराम से। टाइट कर रहा हूं इसको। हां अब टाइट हो गया भाई, ज्यादा तेज नहीं नहीं, पर्याप्त नहीं, वैसा पर्याप्त खुलेगा नहीं भाई, इतना खुलेगा नहीं इसे। एक साथ सबको खींचना रहेगा नहीं, इससे एक मिनट इसको लंबा करिए, संभाल के आराम से। हां सबको खींचना रहेगा, खींचा जाएगा, बहुत ऊपर नहीं खींचना है, सब लोग मिलकर खींचेंगे तो हो जाएगा। वो ताकत लगने लगी ईंट में फंसा, बस बस भाई बस बस, सब लोग एक साथ एक साथ, पहले वो वैसा पीछे जाने दो, चलो खींचा जाने लगे यार, हला हला खींचा खींचा क्या, सबके लगे ही पड़ी, एकदम ले जा चला, खींचा लोगन चलिए ऐसे सब सारी देन विकास भाई और इन लोगों की देन है। नहीं बहुत बहुत क्रिटिकल था, मैंने बहुत ज्यादा हाँ, नहीं था, लेकिन रेस्क्यू के दौरान उसे थोड़ी थोड़ी चोट आई बेचारे को आगे अब क्या ही करेंगे। किसका कुआं है? कुआं किसका है? अरे पटवा दो यार, यूजलेस भाई, इसका कोई काम ही नहीं, कोई काम नहीं, ईटा निकलवा लो, खाली मिट्टी पटवा दीजिए, धीरे धीरे ना पटवा दीजिए ना, खेत का मिट्टी उट्टी बराबर करवा दीजिए, उसे अंदर ला दीजिए, पौवे को यार बराबर करवा दो, पटा जी खुद है ईट, लेकिन ईटा अच्छा है, ईटा सब अच्छा है, ये उस जो है खिंचवा के ट्रैक्टर से डलवा दे भाई। अरे ये ईटा से एक घर बन जाएगा, तो वही कह रहे ईटा निकलवा लेना अपना, ईटा हां ईटा ना, ईटा एकदम फ्रेश है इनका, एकदम फ्रेश है, वैसे ही बेजुबानों की मदद करते रहिए, यहां पे तो कुकर ना जाए तो साफ हो दिखे।
हाँ जहरीले के लिए हमें बुलाना पड़ेगा, बिना जहर का ना उनकी आप मदद कर सकते हैं। हाँ जो ऐसे के तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। नहीं एक बार कुछ नील गाय को नहीं निकाल सकते जंगली, लेकिन कुत्ता बिल्ली गाय भैंस ये सब तो निकाल सकते हैं जो पालतू जानवर हैं। नील गाय में भी क्या कुछ कलाकारी तो था नहीं। नहीं कलाकारी नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को डर बना रहता है कि हो जाए। डर है लेकिन कुल मिला के जंगली जीव में थोड़ा ट्रीट करें। अरे इंसान से बड़ा कोई जीव नहीं है, खतरनाक नहीं है, बस मैं ये जानता हूँ।